तो हेलो भाई, मैं हूं अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई अपने सामने है आज मारुति सुजुकी स्विफ्ट, भाई 2020 का मॉडल है, VXI वेरिएंट है, और अपने सामने है यहाँ पे टोयोटा अर्बन क्रूजर। भाई SUV से उठ के अब भाई हैचबैक चलाने में कैसा फील आता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो सारा शेयर करने वाले हैं कि स्विफ्ट एक्चुअल में चलती कैसी है। एक तरीके से बोला जाए छोटी रोड की रानी बोला जाता है स्विफ्ट को। हर तीसरा बंदा जाता है भाई उसके पास छोटी गाड़ी हो तो भाई स्विफ्ट हो। दूसरी गाड़ी यार ऐसा है ना भाई, लल्लू पल्लू लगती है, ऐसा लगता है भाई स्विफ्ट के अलावा कोई गाड़ी है ना, छोटी गाड़ी लगती नहीं है कहीं ना कहीं। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस गाड़ी, कैसी चलती है, कैसा इसका चाल चलन है, कैसा कुछ इसका फील है। मैं चलाता हूँ रेगुलरली भाई टोयोटा अर्बन क्रूजर, भाई एक SUV सेगमेंट की गाड़ी, उसके बाद में इसको चलाने में कैसा फील होता है वो सारा शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अंदर। तो सबसे पहले की से शुरुआत करें तो की कुछ ऐसी मिलती है इसमें, जिसमें भाई कहीं ना कहीं लॉक अनलॉक के फीचर्स देखिए भाई, टिपिकल मारुति स्टाइल। एंड देन बैठने में फर्स्ट इंप्रेशन मिलता है भाई, ऐसा है कि सच बात कहूँ गड्ढे में बैठा दिया ऐसा सीन लगता है कि भाई SUV वालों को ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं। देन यार भाई इसमें तो बम्पर या मतलब बोनेट दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है भाई बोनेट है ना भाई, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अपना टोयोटा अर्बन क्रूजर में अपन को पूरा बोनेट विजिबल होता है, यहाँ पे अपन को कहीं ना कहीं बोनेट में दिक्कत होती है। करते हैं बंद। तो अब बढ़े तो भाई एक्चुअल में इसमें ऐसी की मिलती है, करते हैं स्टार्ट। क्लच को दबाया भाई स्टार्ट हो गई। ठीक है स्टार्ट होती है, ठीक है तो ऐसा है स्टार्ट होती है। तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं तो एक्चुअल में मेरे को जो फील हो रहा है सेम यार भाई टोयोटा अर्बन क्रूजर जैसा ही फील हो रहा है, ऐसा है। सिमिलर टाइप की आवाज, ज्यादा कोई आवाज नहीं उसमें मिलता है भाई। अपन को 1.5 लीटर का इंजन जो कि कहीं ना कहीं पावर प्रोड्यूस करता है भाई, 105 PS की और 138 NM का टॉर्क यहाँ पे मिलता है, 82 PS और भाई टॉर्क मिलता है 113 NM का। अब चलाते हैं इसको और लगाते हैं सीट बेल्ट। ठीक है करते हैं इसको ऑफ, ठीक है लगा लिया सीट बेल्ट। ठीक है अब सीट बेल्ट लगाया, पहला इंप्रेशन लेते हैं फर्स्ट गियर। गाड़ी चल चुकी है 48,000 मतलब 48,000, अपनी गाड़ी अभी चली 700 किलोमीटर, फर्क इतना है कि जमीन आसमान जितना है। ठीक है भाई साहब, पिकअप में कोई कंप्लेन नहीं है स्विफ्ट में भाई, आज भी वही भागती है 2 साल बाद भी। तो अब भाई लगा लिया सीट बेल्ट और अगर एक बार को फिर चले, ओ भाई मतलब पिकअप तो अच्छा है ना। स्टीयरिंग ऑटो रोटेशन भाई साहब, स्टीयरिंग खुद पे खुद अपनी जगह पे आना एक परफेक्ट जो स्विफ्ट से सीखना चाहिए, ये वाली बात तो है। कहीं ना कहीं टोयोटा अर्बन क्रूजर में भी मिलता है लेकिन भाई इसमें परफेक्ट ऐसा मिलता है। देखो नॉइस की बात करें, नॉइस एक्चुअल में बताऊं तो भाई 2000 RPM के बाद में इसमें रोड नॉइस बहुत ज्यादा आती है, मतलब ऐसा ना इंजन नॉइस करता है, ऐसा करता है आवाजें करता है बहुत बड़ी बड़ी सी, दहाड़े भरने लग जाता है ऐसा फील होता है। अब करते हैं साइड में, इसका ऑटो रोटेशन कैसा है देखना, घूमती कैसी है। तो ऑटो रोटेशन इज डिसेंट, ठीक है मतलब हाँ घूमती अच्छी है। अब देखो ठीक है, ठीक है भाग 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 40 50 एंड देन गाड़ी की बात करूं तो भाई रोड नॉइस भर भर के आ रही है, जहां जहां से आनी चाहिए भाई भर भर के आ रही है। तो देखो ये देखो कहां से आवाजें आ रही है पता नहीं भाई। ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2020 उसके बाद का कंडीशन। अब भाई मैं 60 पे ब्रेकिंग करने वाला हूं, 60 पे गाड़ी है, 60 पे ABS ने अच्छा वर्क किया। पहले मैंने जब ट्राई किया 80 पे तो भाई इसके ABS ने भाई बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी दिखा दी। अब लगाते हैं एक बार को ब्रेक। ABS भाई बेकार सा काम करता है ऐसा लगता है, ABS की आवाज आपने सुनी अभी, बहुत बेकार सी आवाज करता है ABS। गाड़ी रुकने की बजाय भाई गाड़ी स्किड हो रही है। देखो सेकंड गियर में पेक लो एंड, थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में लो एंड, ये भी हो सकता है 50,000 चल चुके इस रीजन बिंग, तो लोड़ा थोड़ा ना ऐसा लो एंड थोड़ा मतलब ठीक ठाक हो गया है ऐसा भाई, अब उठती नहीं है उस हिसाब से जैसी भाई पहले उठती थी। लेकिन भाई जब ये अपनी स्पीड रेंज में आती है बाद में ये भाई बहुत ऐसा ना बहुत अच्छी भाग रही है, जहां जहां से आनी चाहिए भाई भर भर के आवाजें आ रही है। तो ऐसा है कि ऑटो रोटेशन अच्छी मिल जाती है, गाड़ी बढ़िया से चलती है, ऐसा है कि एक अच्छा फील देती है। तो ऑल ओवर ऐसी कुछ इसकी ब्रेकिंग है, स्पीड रेशियो जबरदस्त है, ऐसा भागती अच्छी है, गियर अभी भी ऐसा बहुत स्मूथली लग रहे हैं, चला के देखी भी तो गियर काफी स्मूथ है, कंट्रोल्स ऐसा बहुत लाइट लाइट है, ऐसा स्टीयरिंग बहुत लाइट है, ऐसा सिटी में लगता है कि हाँ काफी लाइट स्टीयरिंग है,
और एक अच्छे से फील देता है। और फीडबैक के अकॉर्डिंग बताऊं तो एज कम्पेयर टू ओल्डर स्विफ्ट मैंने ओन कर रखी है उसके हिसाब से इसका फीडबैक थोड़ा सा ऐसा भाई 19 है भाई, वो 21 थी, उसका फीडबैक बहुत जबरदस्त था यार। पुरानी वाली स्विफ्ट का फीडबैक भाई बहुत सही था ऐसा भाई, वो बहुत मस्ती से घूमती थी, ये थोड़ा उस मामले में सही है, लेकिन भाई सिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी है ये, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इसका। तो मेरा अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो भाई 10 में से मैं इसको स्टार देना चाहूंगा भाई, मेरे हिसाब से ड्राइविंग के हिसाब से 7 स्टार भाई। इंजन का परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट, अच्छे से घूमती है, अच्छे से चलती करती है, और दूसरा भाई इसका जो लुक्स एकदम A1, और उसके साथ साथ उसका फील भाई गाड़ी चलाने का बढ़िया। देन अगर ये गाड़ी नई हो और अच्छे से वेल मेंटेन्ड हो तो ये अच्छा फील देती है भाई। 50,000 किलोमीटर चल चुके हैं और उसके साथ साथ इसमें भाई टायर चेंज नहीं हुए अभी तक। ठीक है, तो रिवर्स में 20 की स्पीड और रिवर्सिंग भी अच्छी हो जाती है इसमें। ऑलरेडी ओके डिसेंट नाउ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।